प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल के बाद बीजेपी पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए अपने कई तर्क दे रही है, पर क्या पार्टी के तर्कों से जनता सहमत हो पाएगी? जनता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों का सबसे अधिक निशाना बीजेपी को बनाया जा रहा है। दरअसल जेडीएस का इन चुनावों में उतना बड़ा स्टेक नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के चलते ही आज इस घिनौने कृत्य की चर्चा पूरे देश में हो रही है, अन्यथा प्रदेश की राजनीति में इसका पिछले साल ही खुलासा हो गया होता। अब विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का एक जबरा हथियार मिल गया है। विपक्ष सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रहा है। कुछ लोग बीजेपी को तत्काल इस गठबंधन से अलग होने के लिए चैलेंज भी कर रहे हैं। बीजेपी ने इन आरोपों के बीच खुद को अलग करते हुए मंगलवार को कहा है कि कर्नाटक में उसके गठबंधन सहयोगी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि प्रज्वल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है क्योंकि उसके नेतृत्व वाली राज्य सरकार के पास सारी जानकारी। मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं, और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। पर कुछ भी हो, बीजेपी को जवाब देना तो मुश्किल हो गया है। अब खबर ये आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो वायरल होने के मामले में उनके पूर्व कार चालक और बीजेपी नेता देवराजे गौड़ा ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। उधर जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना को मंगलवार को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्रज्वल की ओर से कई महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीके सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल बैठाए गए हैं। प्रज्वल कथित तौर पर जर्मनी चले गए हैं। पुलिस ने हाल में प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता पूर्व मंत्री HD रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया था। ये मामला उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत पर आधारित। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़10 इंडिया।